तो आज बात कर रहे हैं पिवट टेबल। पिवट टेबल में हम आज बात करेंगे कुछ चीजों के बारे में, जैसे हमने पिवट टेबल लगाया एंड ओके किया। तो सबसे पहले मान लीजिए मैंने नेम को उठाया और रो में रख दिया, और हमने यहाँ पे अपनी टोटल्स या जो भी क्वांटिटी है उसको उठा के हमने वैल्यू में रखा, तो सम ऑफ क्वांटिटी आ गया। अब मैं थोड़ा सा मैट्रिक्स फॉर्मेट में करना चाहता है जोन, तो जोन को उठा के हमने कॉलम में रखा, तो जोन वाइज हमारे पास सेल्स आ गए। लेकिन हमने कॉलम में तभी रखा जब हमारे पास ये थोड़ा सा कम है, मतलब कि काउंट कम है। अगर मान लीजिए जोन अगर 500 1000 होता तो ये इस तरह के हॉरिजॉन्टल बन जाता, जो कि देखने में थोड़ा सा और लगता, क्योंकि रिपोर्ट्स को देखने बिल्कुल में टॉप टू बॉटम सही रहता है, लेफ्ट टू राइट सही नहीं रहता है। फिर मैं जोन को उठाया और नेम के नीचे रख दिया, तो आप देख सकते हैं कि इस तरह का आपके सामने रिपोर्ट बन गए, जिसमें नेम भी है और यहाँ पे, तो नेम को कलेप्स और एक्सपेंड यहाँ से किया जा सकता है। हालांकि पिवट टेबल एनालाइज के अंदर एक प्लस माइनस का ऑप्शन है जिसके मदद से आप इसको कर सकते हैं। तो कलेप्स में क्या होगा कि ओके मल्टीपल रिपोर्ट हो गई, कि आपको समरी ऑफ द समरी हो गया कि मैं रिपोर्ट नेम वाइज देख रहा हूँ, मुझे इसका ओम का जोन देखना है, तो इस पर क्लिक करूंगा तो ओम का जोन यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है अच्छा सर, अच्छा ठीक है। तो इस तरह का बन जाएगा। तो ये चीजें कर सकते हैं, फिर यहाँ से एक्सपेंड कर लीजिए, यहाँ से कोलैप्स कर दीजिए। लेकिन ध्यान रखिए, इस तरह के फीचर तभी वर्क करता है जब आप किसी को रिपोर्ट एज ए पिवट टेबल ही भेजते हो। कई बार क्या होता है कि हम अपने रिपोर्ट्स को कॉपी करते हैं और वैल्यू पेस्ट करते हैं ताकि फॉर्म हमारा पिवट रिमूव हो जाए, और इसके ऊपर और भी कई सारे कैलकुलेशन कर सकते हो जो पिवट के साथ पॉसिबल नहीं होता है। तो उस केस में क्या करें, मैं दोबारा रिपीट करता हूं। तो मेरे पास एक पिवट टेबल आपके सामने दिख रहा है, जिसमें यहाँ पे नेम और यहाँ पे मैंने जोन रखा हुआ है, इनके सेल्स है। अब इसमें ए प्लस और माइनस, मतलब कि कोलेस और एक्सपेंड का फीचर है, जो कि पिवट टेबल एनालाइज टूल्स में जाके आप यहाँ से एक साथ इकट्ठा कर सकते हैं। तो एक बेनिफिट होता है जब आपके पास लार्ज डेटा होता है, तो बेनिफिट होता है कि आप समरी कर दें, बंदा जो देखना होगा तो इस तरह से एक्सपेंड करके देख लेगा। ठीक लेकिन मैंने बताया कि ये चीजें तभी वर्क करेगी जब आप किसी को भेजना है आपको, तो उसको एज ए पिवट टेबल ही भेजते हैं। समझ गए? तो तो पिवट टेबल पिवट में तो वो टेबल डाटा को अपना डाटा वो अपना कर वो कर सकता है ना, सकता कि है। वो डाटा उसको बिल्कुल वैलिडेट हाँ, करके तो आगे हाँ, भेजना तो होता पर है आपको, प्रॉब्लम ये ऐसा है, है। डेटा वगैरह दे सकता है और भी बहुत सारी चीजें होती है। लेकिन क्या होता है कि अगर मैंने इसको कॉपी करके दूसरे जगह पे पेस्ट कर लिया, तो ये आपका हट हाँ जाता है, और पेस्ट हमें करना होता है कई सारे कैलकुलेशन वगैरह करने के लिए, जैसे कि बहुत सारे आपके पास कैलकुलेशन है, वी लुकअप है, ऐसे बहुत सारी चीजें लगानी है ना आपको, क्योंकि पिवट से पूरा रिपोर्ट नहीं बन जाता है, कई बार हमें अलग अलग केसेस में करने पड़ते ठीक है। हैं। ठीक है, ठीक है। तो अब मैं यहां चाहता हूं कि मेरा जो एक ही कॉलम के अंदर जो नेम है और जो जो जोन है वो अलग अलग कॉलम में आ जाए, मतलब पहले कॉलम में मेरा नेम आए, दूसरे कॉलम में सिटी आए, और तीसरे कॉलम में मेरा क्वांटिटी आए। अच्छा तो उसके कई ठीक तरीके हैं, आप राइट क्लिक करके पिवट टेबल ऑप्शन पे जा सकते हैं, और यहाँ डिस्प्ले के अंदर आपको दिखेगा क्लासिकल पिवट टेबल लेआउट, दिख रहा है? देन ओके करें, यहां से भी कर सकते हैं, या फिर डिजाइन टैब में रिपोर्ट लेआउट के अंदर आप जाके यहाँ शो टेबलर फॉर्म भी कर सकते हैं। ऐसा करने के कहाँ बाद पे आके कहाँ पे आके डिजाइन पे जाना है और रिपोर्ट लेआउट, और रिपोर्ट लेआउट के अंदर आपको ये यहाँ देना है शो टेबलर फॉर्म। ठीक है सर, क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं सर? नहीं, अभी नहीं, वो अभी बात वो आ बात रही कि आ रही पूजा कि का पूजा फिर आप का फिर आप सेंट्रल सेंट्रल ईस्ट ईस्ट नॉर्थ नॉर्थ साउथ साउथ वेस्ट वेस्ट आपको आपको कॉलम में हाँ चाहिए, रो में चाहिए, नहीं रो में चाहिए, चाहिए, ऐसे ऐसे आप बता आप रहे थे अभी आप। अलग अलग कॉलम में आ गया ना, ए कॉलम में नेम आ गया, बी कॉलम में जोन आ गया, सी कॉलम में आपका कॉलम एडिट आ गया। अब इसको कॉपी करके करोगे तो अलग अलग कॉलम आएंगे ना सर, यहाँ पे देखिए, सॉरी ऊपर में करना, अलग कॉलम आया ना सर। ठीक है, ओके। इससे पहले क्या था, एक ही कॉलम में था तो पता नहीं चलता था ना। अगर मान लीजिए कि इसको मैं डिजाइन में गया,
सॉरी इसमें एनालाइज में डिजाइन में था, और मैं टेबलर फॉर्म के जगह पे कॉम्पैक्ट फॉर्म कर दूं, अब मैं इसको कॉपी करके कहीं पेस्ट करता तो क्या दिक्कत थी? ओके अब पता चल रहा है कि नेम नेम का टोटल नेम कहाँ है और जोन कहाँ है, ये पता चला ना, सब मिक्सअप बता रहा ना। ठीक है ठीक है, चलिए तो हमने कैसे किया, हम यहाँ पे गए डिजाइन में रिपोर्ट लेआउट और यहाँ पे शो टेबल, राइट सर? ठीक है ठीक है। अब शो टेबल फॉर्म तो हमने कर लिया, लेकिन एक प्रॉब्लम है यहाँ देख रहा है आपको, सब टोटल्स आ रहे हैं, तो वही जहां से आप रिपोर्ट लेआउट किया था उसी के बगल में सब टोटल आते हैं, यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं डू नॉट शो सब टोटल, तो देखिए सबके टोटल हट गए, ठीक है, शो ऑल सब टोटल ग्रुप आ गया, या राइट क्लिक भी कर सकते हैं कि राइट क्लिक कीजिए पिवट पे और यहाँ नेम पे, सॉरी टोटल पे राइट क्लिक कीजिए, सब टोटल नेम दिख रहा है सर आपको यहाँ पे, इसको क्लिक कर दीजिए हट जाएगा, और वापस क्लिक करेंगे तो आ जाएगा, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि क्या करना है, ठीक है, क्लियर है? ठीक है ठीक है। अब इसमें अगला टॉपिक जो हमारा आता है वो आता है, अभी देखिए इस तरह की रिपोर्ट आ गई तो आप इसको भी अगर पिवट में किसी को भेजते हैं तो बेटर है, अगर मान लीजिए मैंने इसको कॉपी किया और कॉपी करके किसी और शीट पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया, तो इसमें प्रॉब्लम क्या हो गया कि पूजा सेंट्रल दिख रहा है ना सर, अगर मान लीजिए मैं फिल्टर लगाऊं पूजा का तो क्या होगा, सिर्फ सेंट्रल आएगा, जैसे अजीत को मैंने लगा लिया लेकिन सिर्फ क्या आया, अजीत का सेंट्रल आया, बाकी डेटा नहीं है, तो मैं चाहता हूं कि इस तरह से रिपीट हो जाए, क्या हो जाए, इस तरह से रिपीट हो जाए, जैसे दिख रहा है ना सर, अच्छा अच्छा, तो रिपीट करने के लिए वही आपको डिजाइन में यही जहां रिपोर्ट आपने लिया था टेबलर फॉर्म लिया था उसी के नीचे आएगा रिपीट ऑल आइटम लेबल, रिपीट हो गया, ठीक है, और इससे इसी में अगर आता है इंसर्ट ब्लैंक लाइन तो यहां देखिए ब्लैंक लाइन भी इंसर्ट हो गया, तो कभी कभी इसकी भी जरूरत पड़ जाती है, हालांकि जरूरत हमेशा नहीं पड़ती है बट सम टाइम इसकी जरूरत पड़ जाती है, ठीक है, ठीक है। अब मान लीजिए मुझे जो ब्लैंक लाइन जो है वो हटा देना है, तो यहां से वही डिजाइन टैब में रिमूव ब्लैंक लाइन आफ्टर ईच आइटम हटा दीजिए, मुझे इसको रिपीट नहीं करना है तो आप वही इसको कर दीजिए डू नॉट रिपीट, मुझे इसको मर्ज करना है, कई बार हम क्या करते हैं मर्ज कर देते हैं, तो नॉर्मली आप होम पे जाके इसको मर्ज करेंगे तो मर्ज नहीं हो, तो मर्ज करने के लिए आपको राइट क्लिक कर पिवट टेबल ऑप्शन में आना होगा, और पिवट टेबल ऑप्शन में आने के बाद यहां मर्ज एंड सेंट्रल विथ लेबल दिख रहा होगा, इसको ओके कर दीजिए, तो ये आपका अब देखिए मर्ज हो गया मर्ज सर, अच्छा ठीक है, अब यहाँ एक चीज ध्यान रखिए कि यहाँ आपके सामने रो एंड कॉलम दोनों में सेम वर्क, जैसे कभी कभी क्या होता है कि हम नेम ले लिए और यहाँ पे हमने सिटी मैंने यहाँ पे लिख रख दिया, दिख रहा है सर, दिख रहा है मर्ज हो गया सिटी, राइट क्लिक करके पिवट टेबल ऑप्शन में मैं मर्ज का सिस्टम हटा देता हूं, तो देखिए अनमर्ज हो गया, और यहाँ डिजाइन में गया यहाँ पे मैंने बोल दिया रिपीट ऑल आइटम तो रिपीट हो गया, हो गया ना सर, और मुझे इंसर्ट ब्लैंक लाइन, तो नहीं ब्लैंक लाइन इसके लिए होता है रो के लिए होता है, यहाँ पे इंसर्ट ब्लैंक लाइन करते हैं तो ब्लैंक लाइन जैसे कि नहीं आ रहा है ना, रिपीट हो गया सेंट्रल टोटल पर ईस्ट शुरू हो गया, ग्रांड टोटल हटाना है तो राइट क्लिक करके यहाँ से आप इसको सब टोटल जोन हटा दीजिए तो हट जाएगा, तो ब्लैंक लाइन जो है ब्लैंक जो ब्लैंक लाइन है वो सिर्फ रो के लिए काम करता है कॉलम के लिए नहीं करता, ठीक है, फिर डू नॉट रिपीट कर दीजिए और यहाँ से मैं सिटी हटा देता हूँ, तो ये जो फीचर्स मैंने बताया रो एंड कॉलम दोनों के लिए वर्क करता है, समझ में आ गया सर, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे कुछ होते हैं जैसे कि आप इस पे क्लिक करेंगे तो हर एक रो क्लर हो जाएगा, हर एक अल्टरनेटिव रो सेम कॉलन, दिख रहा है सर, छोटे मोटे फीचर्स हैं जो इसका यूज आप करते हैं,
है सर, समझ में आया कोई डाउट इसमें? नहीं कोई डाउट नहीं, ठीक है। अब बात करते हैं डेटा। जैसे मान लीजिए पूजा ने सेंट्रल में 642 का सेल किया है, अब मुझे इसका डेटा देखना है, मुझे शक लग रहा है, तो क्या करेंगे आप जाएंगे डेटा में, ठीक है, और फिर आप यहाँ पिवट टेबल पे आएंगे। यहाँ मैं अजीत को, यहाँ क्या बोलते, पूजा था ना हमारा, हाँ पूजा को सेलेक्ट करेंगे, और कौन सा जोन था, सेंट्रल। फिर यहाँ जोन में जाएंगे, सेंट्रल को सेलेक्ट करेंगे, फिर आप डेटा देखेंगे कि इसका टोटल क्या आ रहा है। इसका टोटल 642 और यहाँ भी 642 है, तो आप संतुष्ट हो गए कि हाँ। या किसी को भेजना है तो फिर आपको कॉपी करके नई शीट में या फाइल में डाल के उसको आप भेजेंगे, यही करेंगे ना सर। लेकिन एक सिंपल तरीका भी है, मैं यहां जस्ट इस पे डबल क्लिक कर दूंगा। क्या करूंगा, डबल क्लिक। अच्छा डबल क्लिक करते ही एक नई शीट में पूरी की पूरी डेटा को कॉपी पेस्ट कर देगा, सिर्फ वही डेटा, किसका, अच्छा पूजा और सेंट्रल। ओके जैसे मैंने यहां कर्सर रखा है तो ये रवि है और नॉर्थ है ना, या कोई फिल्टर वगैरह लगा हुआ है तो उस पर भी वर्क करेगा से। क्लियर है सर? ठीक है ठीक है सर। सर। पर कई बार लोगों को ये प्रॉब्लम होती है, इससे क्या होती है प्रॉब्लम, तो क्या होता है कि कई बार लोगों को डबल क्लिक करने की आदत होती है। क्या करने की आदत होती है, डबल क्लिक करने की। तो वो डबल क्लिक करते ही क्या होता है, उसका डेटा अलग शीट में कॉपी पेस्ट हो जाता है, क्योंकि पिवट के किसी भी सेल पे डबल क्लिक करते हैं तो उसका डेटा आ जाएगा। लेकिन डबल क्लिक कहाँ, वैल्यू सेक्शन। वैसे तो मैं रवि पे डबल क्लिक किया तो रवि पे डबल क्लिक करते ही ये इस तरह का शो डिटेल्स आता है, ठीक है, हाँ सिर्फ वैल्यू पे। तो मैं चाहता हूं कि ये फीचर्स डिसेबल कर दो, तो राइट क्लिक, पिवट टेबल ऑप्शन, और पिवट टेबल ऑप्शंस के अंदर में आप यहां आएंगे कहां पे, डेटा सेक्शन में। डेटा सेक्शन में आपको दिख रहा होगा एनेबल शो डिटेल्स, इसको कर दीजिए यहां से अनचेक एंड फिर ओके। अब मैं कहीं भी डबल क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे कि आपके सामने इस तरह का एरर शो करेगा। समझ गए सर, कोई ओके दिक्कत इसमें? नहीं भाई एक बार बता दो, ये जो चेंज करते हैं ना वहां पे जाके इनेबल करके वॉलेट में दोबारा बता दो, तो कंफ्यूजन हो रहा है कि कहाँ पे जाके कैसा किया था क्या आपने चेंज करना, मतलब जो इनेबल किया था ना राइट ये क्लिक, डबल, हाँ डबल क्लिक राइट डिसेबल क्लिक, था। पिवट टेबल ऑप्शन, इसके अंदर डेटा सेक्शन, ठीक है, डेटा सेक्शन, अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, बस ठीक है और ओके यहां ओके से, ओके ओके ठीक है। ओके ठीक है भाई।